दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं और उसका रीजन भी बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप दूध बढ़ा सकते हैं फर्स्ट टाइमर का, और वो कौन सा रीजन है जिससे कि फर्स्ट टाइमर का दूध कम हो जाता है। बढ़ाने का फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन, हम हमारे डीडी रामाओ चैनल पर सारे देसी इलाज आपको बताते हैं, बहुत सारी मेडिसिन जो ज़रूरी होती है वो बताते हैं। लेकिन आज हमारे रामावत वेट ज्ञान लिख करके हमें कमेंट किया है हमारे एक सब्सक्राइबर भाई अरुण कुमार जी ने, और इन्होंने बड़ी विचित्र समस्या भेजी है। क्या लिख रहे हैं, मेरा नाम अरुण है, मैं हरियाणा रजिया के फरीदाबाद से हूँ। मेरी परेशानी यह है कि मेरी पहलवान की गाय जो एक महीने पहले ब्याई है सर, उसका छोटा भी बहुत अच्छी तरह से, छंटाव भी बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। उसको मैं दाना पानी भी अच्छे से दे रहा हूँ पर उसका दूध बढ़ नहीं रहा है, क्या करूँ, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, अगर ऐसी कंडीशन किसी भी गाय के साथ हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ बातें हैं जो आप अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए। वो ये है कि आपने छटाव की बात लिखी, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी दूध बढ़ाने की बात फर्स्ट टाइमर में होती है ना, वो होती है माँ का बच्चे से लगाव, जिसको हम हेजना भी बोलते हैं, और दूसरी होती है मिल्क फ्रेशर। मिल्क फ्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि मिल्क ग्लैंड से दूध का जो फ्रेशर बढ़ेगा तब वो दूध देगी, क्योंकि फर्स्ट टाइमर दूध देने में आनाकानी करती है, पावसने में समझती नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए फर्स्ट टाइमर का अगर आप दूध बढ़ाना चाहते हैं तो पहला काम ये कीजिए कि जब भी वो बच्चा दे, अब आप तो लेट हो गए हैं कोई बात नहीं, जब भी वो बच्चा दे तुरंत उसको, बच्चे को चटाएं कैसे भी करके। अगर वो नहीं चाट रही है तो आप ऊपर गुड़ लगाइए, आटा लगाइए, जो भी उसकी मनपसंद चीज़ है उसके उसके ऊपर लगा करके, बच्चे के ऊपर लगा करके उसे जल्दी से जल्दी चटाइए। जब वो चाटेगी उसी समय उसके मस्तिष्क में सेंस जाएगा और ऑक्सीटोसिन अच्छी मात्रा में निकलेगा, प्रोलैक्टिन का श्रावण जो है वो अच्छा होगा, तो भाई दूध का निर्माण भी अच्छा होगा और दूध उतरेगा भी अच्छा। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो पहली वहां हो गई, छटाव के लिए आपने बेटर लिख दिया। अब मैं आपको कुछ जड़ी बूटियों के नाम बताने जा रहा हूं जिसमें नंबर वन पर है, और वो है पीली सतावर। पीली सतावर जो है ये आप पर डे 50-50 ग्राम आज ही से देना शुरू कर दीजिए, कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए, 50-50 ग्राम रोज दीजिए, और उसे कम से कम 250-300 ग्राम मेथी दाना जो है उसको पिसवा करके, और आप रोज 250-300 ग्राम दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा साथ में ज़रूरी है अश्वगंधा, जी हाँ अश्वगंधा, पीली सतावर, इन दोनों का पाउडर बना करके 30 ग्राम अश्वगंधा रोज दीजिए, और सतावर जो आप दे रहे हैं ये आप रोज दीजिए 50 ग्राम, लगातार उसे देते रहिए। उससे क्या होगा, उससे पावसने में भी मदद मिलेगी और प्रोलैक्टिन जो निकलेगा सतावर से वो बहुत अच्छी तरीके से दूध में मदद करेगा। इसके अलावा एक चीज़ और जो विशेष मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो हमारे यहाँ पर जो चल रहा है आजकल तो सभी जगह मिलता है, वो है परख मिल्क मैजिक। अगर आप इस परख मिल्क मैजिक का इस्तेमाल करवाते हैं पर डे 100 ग्राम, 50-50 ग्राम सुबह शाम, पर डे आप 100 ग्राम उसको देते हैं तो 10 दिन देखे देखिए 11वें दिन में ही, यानी आप जो ही देना शुरू करेंगे 4th-5th दिन में आराम मिल जाएगा, लेकिन आप जो 10 दिन देंगे आपकी गाय जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पावसने लग जाएगी, दूध अच्छा देने लग जाएगी, और सबसे बड़ी बात उसके दूध में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। तो ये वो स्टेप है। एक महीना हो गया है सब, तो एक महीना हो गया है तो आप डिवॉर्मिंग करवाइए, अगर नहीं करवाइए तो डिवॉर्मिंग करवा करके लीवर टॉनिक दे दीजिए और ये प्रोसेस कीजिए, बिल्कुल दूध को बढ़ना पड़ेगा।